हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज दिल थाम के बैठी है आप सभी लोग, क्योंकि यार आज अपन पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे मैं आपको बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको पहले से ही माइंड सेट करना है कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ ना इस वीडियो के साथ पूरी ख़त्म करके जाना है। ऐसा नहीं कि मैं बाद में याद कर लूँगा, नोट्स पढ़ के याद कर लूँगा, नहीं, आपको अभी याद करनी है, मतलब करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार अपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कोलाइडल नेचर, ठीक है, कोलाइडल नेचर, ठीक है। कोलाइडल नेचर क्या होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। आपने पढ़ा होगा यार 12th क्लास में चैप्टर होता है, ठीक है, उसमें अपन ने पढ़ा था कोलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। कोलाइड्स वो होते हैं यार, मतलब कि जिनकी भी जो रेंज होती है ना, ठीक है, पार्टिकल की ना, वो थाउजेंड थाउजेंड माइक्रोन से कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने प्रोटीन्स होते हैं उनकी तो सिर्फ कितनी है, 5 to 100 माइक्रोन्स। तो ये तो अपने कोलाइडल नेचर शो करेंगे, ठीक है। इन डायमेंशन आर हैवियर देन वाटर एंड सिंक, मतलब कि जो अपने प्रोटीन्स होते हैं यार इनका डायमेंशन ना काफ़ी भारी होता है वाटर के अकॉर्डिंग। तो क्या करते हैं, ये सिंक कर जाते हैं, ठीक है, ये अपने को समझ आता है। अब सेकेंड देखते हैं अपन, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, जो यार अपने प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के जो कोलाइडल नेचर है, ठीक है, कोलाइडल नेचर की वजह से वहाँ पे ये अपने सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, फ्लूड में। तो उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी को अपन बोलते हैं कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। कोलाइडल प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जो कोलाइडल प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं ना वो एग्जर्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेटेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स, अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स अगर जनरेट कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसको अपन एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, ठीक है, या तो बोलेंगे कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर बोलेंगे उसको ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अब ऑन्कोटिक प्रेशर अपनी किस पर डिपेंड करती है? ऑन्कोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। मतलब कि जितना ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट होगा ना, उतना कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, क्योंकि वो क्या कर जाएगा, प्रेसिपिटेट, ठीक है। और अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। ऑन्कोटिक प्रेशर एग्जर्ट बाय प्रोटीन इन क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम, मतलब कि ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये आपको पहले भी पढ़ाया है, जो मैंने आपको पढ़ाया था जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, तो उसमें आपको मैंने उसके फंक्शंस पढ़ाए थे, उसमें एक फंक्शन ए भी था कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी पढ़ाया था, यहाँ पे भी पढ़ा दिया एक बार आपको। एक क्या हो गया अपने का, कोलाइडल नेचर, कोलाइडल नेचर की वजह से क्या हो रहा है, कोलाइडल प्रेशर लग रहा है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब आपने को पता है कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन का कुछ मॉलिक्यूलर वेट भी तो होगा ना, जो उसकी प्रॉपर्टी में आएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ठीक है। प्रोटीन आर मैक्रो मॉलिक्यूल, जो प्रोटीन्स होते हैं यार वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर बड़े मॉलिक्यूल हैं तो क्या होगा, उनके पास ज़्यादा हाई अमाउंट में क्या होगा, वेट होगा, मतलब कि हैव अ वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा विद वाइड वेरिएशंस, मतलब कि ज़्यादा वेरिएशंस के साथ भी। जैसे अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्ब्यूमिन की, एल्ब्यूमिन कितना होता है, 69000, ठीक है। और वहीं क्या होता है, गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं ना, ये 1,60,000 होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप मान सकते हो यार कि यहाँ पे कितना 1 लाख से इंक्रीज कर रहा है, मतलब ज़्यादा है, ठीक है, किसका, गामा ग्लोबुलिन्स का मॉलिक्यूलर वेट एल्बुमिन के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट की बात आई थी तो, जो एल्बुमिन है इसका वेट होता है कम और गामा ग्लोबुलिन्स का होता है वेट ज़्यादा। तो अपने को नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन डेवलप्ड होती है ना, उसमें क्या होता है, जो आपको जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स होते हैं, ठीक है, जो आप पढ़ोगे यहाँ पे वुमेंस कैप्सूल में, उनकी साइज़ का इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, चौड़े हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो एल्बुमिन होता है ना वो पास करने लगता है अपने यूरिन में, ठीक है, बट गामा ग्लोबुलिन्स नहीं कर पाता, क्योंकि इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये चीज़ आप याद रखना, गामा ग्लोबुलिन्स क्या होती है, अपनी एंटीबॉडीज, ठीक है, इतना अपने को पता है। अब बात करते हैं अपन सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे, तो यार क्या होगा, यहाँ पे ग्लूबिन, मतलब ग्लूबुलर जो प्रोटीन होते हैं, जैसे कि अपना हो गया एल्बुमिन, ठीक है, हैज़ अ हायर सॉल्युबिलिटी, ठीक है, देन एलोंगेटेड फाइबरस प्रोटीन।
अपने को पता है, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में ही बताया था, ठीक है, जब अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ा था, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ना यार, ठीक है, तो क्या होगा उनका, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम है, जैसे एल्बिन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ठीक है, कि जो ऐसे फाइबर है, ठीक है, ऐसे फाइबर है, ठीक है, तो फाइबर है तो क्या होगा वहाँ पे, उस प्रोटीन की वहाँ पे क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऐसे मान चलो ग्लोबुलर प्रोटीन सच एज एल्बुमिन हैज़ द हायर सॉल्युबिलिटी, इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि ग्लोबुलर है, ठीक है। बट जो एलोंगेटेड होते हैं ना, वो कह जाते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है, उनकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है कम, ठीक है। क्या होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल मोर सॉल्युबल देन लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, जो मॉलिक्यूल छोटा है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल छोटा है, ठीक है, वो हो जाएगा ज़्यादा सॉल्युबल, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल ज़्यादा भारी है, ठीक है, वो हो जाएगा प्रेसिपिटेट। आपको इतना याद रखना है। आप ऐसे सोचिए यार, कि ऐसे मान के चलो कि आपके पास डस्ट के पार्टिकल हैं, ठीक है, आप और उनको पानी में डालते हो, तो वो पानी में क्या होंगे, ठीक है, अब वहाँ पे वो सेटल डाउन तो होंगे नहीं, क्योंकि उनका वेट कम है। अगर आप उसी की जगह ना कुछ भी ले लो यार, ठीक है, मतलब कि हैवी पार्टिकल्स ले लो यार, आप कुछ भी, ठीक, कुछ बीट्स ले लो, ठीक है, आप उनको डालोगे क्या करेंगे, वो नीचे जाके सीधा सिंक कर जाएंगे, क्यों, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हो ना, जस्ट एग्जाम्पल पे मैं आपको वैसे बता रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, आगे आता अपना शेप ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। अब भाई प्रोटीन में अपन ने क्या देख लिया, अपने उसका कोलाइडल नेचर देख लिया, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी देख लिया, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी देख लिया अपन ने, ठीक है, उसके बाद उसकी सॉल्युबिलिटी भी देख ली, ठीक है। अब बात करते हैं उसकी शेप की। अपने को पता है जो स्क्लेरो प्रोटीन्स लाइक कैरेटिन होता है, ठीक है, कॉलेजिन इज इन दी फॉर्म ऑफ फाइब्रस बाइल सॉल्युबल प्रोटीन, ठीक है, टेंड्स टू बी अ राउंड शेप एंड कॉल द ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। ये तो होगा इसका शेप की बात, ठीक है। स्क्लेरो प्रोटीन्स होते हैं जैसे अपना हो गया कैरेटिन हो गया, ठीक है, कॉलेजिन हो गया, ठीक है, इज दी फॉर्म ऑफ फाइबर्स, ठीक है, ये तो अपने फाइबर्स के फॉर्म होते हैं, ठीक है। बाइल सॉल्युबल प्रोटीन जो होते हैं वो अपने कौन से होते हैं, राउंडेड शेप के होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन, जो मैंने आपको यहाँ पिछले में बताया था सॉल्युबिलिटी में, कि वहाँ पे जो अपने फाइबरस प्रोटीन थे वो क्या कहे जाते, प्रेसिपिटेट, सॉल्युबिलिटी कम थी, लेकिन जो सॉल्युबल थे वो कौन से थे, अपने ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है, क्योंकि उनका मॉलिकुलर वेट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन्स। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, पानी लगना, मतलब प्रोटीन्स के ऊपर पानी आ जाना। क्या होगा यहाँ पे, प्रोटीन्स वेन ब्रॉट इन टू द कॉन्टैक्ट विद वाटर, जब अपन प्रोटीन को कॉन्टैक्ट में ले जाएंगे वाटर के, तो क्या करेगा, अपना प्रोटीन वाटर को क्या एब्जॉर्ब करेगा और स्वेलअप हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। फिर क्या होगा, इमोबाइल सेल लाइक लेयर, ठीक है, मतलब कि इमोबाइल मतलब वो अपनी स्टेबल रहेगी, शील, ठीक है, स्टेबल शील का फॉर्मेशन हो जाएगा अराउंड द प्रोटीन, ठीक है, वाटर की लेयर का, उसी को अपन क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन लेयर, ठीक है, और क्या बोलेंगे, वाटर एनवलप, ठीक है, इज हील्ड अराउंड ईच प्रोटीन पार्टिकल्स इन अ एक्वस मीडियम, मतलब एक्वस मीडियम में हर एक प्रोटीन पार्टिकल्स के अराउंड हो जाएगी वो, ठीक है। ये हो गया अपना हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन। अब बात करते हैं अपन विस्कोसिटी की यार। विस्कोसिटी आपने कई जगह सुना होगा टर्म, ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी एक्सप्रेस द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो एंड इट्स डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करेगी, मतलब ये टेंडेंसी होती है यार विस्कोसिटी, ठीक है, लिक्विड्स के फ्लो करने की, और वो डिपेंड करती है अपने मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन्स पे, ठीक है। अगर किसी प्रोटीन का हाई है, ठीक है, अगर हाई विस्कोसिटी है तो वहाँ पे अपने को क्या मिलेगा कि लार्ज मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि यार बड़े मॉलिक्यूल होंगे, वेट ज़्यादा होगा, तो उनकी फ्लूडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया अपने किसके बेसिस पे, मॉलिकुलर वेट के। अगर किसी प्रोटीन का मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, या फिर वो लार्ज मॉलिक्यूल है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं शेप ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। हायर विस्कोसिटी इज फाउंड विथ एलोंगेटेड मॉलिक्यूल दैट विल द स्पेरिकल मॉलिक्यूल। आप ऐसे समझिए, अगर कोई स्पेयर है यार, स्पेयर है लेयर में, तो क्या करेगा, स्पेयर तो यार रोल ऑन कर कर के नीचे फ्लूडिटी बढ़ाता जाएगा, बट अगर कोई मान चलो फ्लैट एंड है, ठीक है, एलोंगेटेड है, तो यार ये स्लाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप अगर मान के देखो, आप कार देखते हो यार, ठीक है, कार में क्या लगा होता है, एक सर्कल वाला पहिया लगा होता है, टायर लगा होता है, तो क्या करता है, वो ईजिली राउंड कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही है कि अगर वहाँ पे अगर प्रोटीन अगर ग्लोबुलर हो गया ना राउंड शेप में, तो वो ईजिली फ्लो कर पाएगा लिक्विड में, फ्लूडिडिटी ला पाएगा। अगर वहाँ फाइबर, अगर आप मान चलो कार के टायर में एक लंबी स्लिप लगा दो, और आप उससे बोलो कि चल भाई तू रोड पे खिसक, तो नहीं खिसक पाएगी ना, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा,
तो वहाँ पे वो नहीं खिसक पा रही है, मतलब कि हाई विस्कोसिटी है, तो हाई विस्कोसिटी किस में पाएगी, एलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स में। इतना अपने को समझ में आ गया है, ठीक है। और देखते हैं फाइब्रस प्रोटीन है द हायर विस्कोसिटी देन ग्लोबुलर, ये तो अपने को पता है क्योंकि फाइब्रस क्या होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, ग्लोबुलर अपने गोल होते हैं, ओवल होते हैं, ठीक है। ग्लूबिन इम्पार्ट्स ग्रेटर विस्कोसिटी देन एल्बुमिन। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जो ग्लूबिन्स होते हैं अनार, उनमें ज़्यादा विस्कोसिटी होती है देन एल्बुमिन की। क्यों? इसलिए होती है भाई, क्योंकि जो अपने ग्लूबिन्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है एल्बुमिन की कंपेरिजन में। आपने यहाँ पे देखा एक फैक्टर की मॉलिक्यूलर वेट भी होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ ग्लोबिन की मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपेरिव टू एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन। इतना अपने को समझ में आता है। अब बात करते हैं अपन एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट एट दी, ठीक है, अब इसको अच्छे से सुनना, आयोनाइजेबल ग्रुप्स प्रेजेंट एट दी एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, एंड आयोनाइजेबल ग्रुप, ठीक है, ऑफ द साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कन्फर्म एन एम्फोटेरिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन। देखो क्या होता है कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है यार, मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली, ठीक है, यहाँ पे आ गए अपन, ठीक है। जो अपना यहाँ पे देखिए आप, ये अपना क्या अमीनो एसिड, अगर मान चलो इसकी साइड चेन है तो यहाँ पे कुछ होगा अपना, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला ग्रुप होगा जो COOH, ये क्या करेगा, ये तो दूसरे के साइड बाइंड करके पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। तो जो आर चेन होती है इसके पास होगा कुछ, ठीक है, चार्ज, और उसके बाद NH2 के पास होगा कुछ चार्ज। तो मतलब एक के पास प्लस है, एक के पास अगर माइनस है, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इसमें एम्फोटेरिक नेचर डेवलप्ड होगा, ठीक है। इतना अपने को समझ आ जाता है। और आगे देखते हैं अपन, तो अब एक बार और सुन लो, आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड एंड आयनाइजेबल ग्रुप्स ऑफ द साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, कन्फर्म एन एम्फोटेरिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर भी अपने को पता चल गया। चलो भाई अब चलते हैं अपन और आगे। जो अब इसकी अपन ने 8 प्रॉपर्टी देख ली है, अब इसके बाद अपन इसकी और प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोटीन आर, ठीक है, प्रोटीन जो होते हैं वो अपने क्या होते हैं, एम्फोलाइट्स होते हैं। एम्फोलाइट्स क्यों होते हैं, एक्टिंग बोथ एज डोनर, ठीक है, एंड एक्सेप्टर ऑफ H+ आयन। मतलब ये एम्फोलाइट्स इसलिए होते हैं, एम्फोलाइट्स वो होते हैं जो मतलब H+ दे भी सकते हैं और H+ ले भी सकते हैं, ठीक है। अगर मान चलो आपके पास सॉल्यूशन है एसिडिक, आपके पास सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, जो आपका NH2 ग्रुप रहेगा ना, वो क्या करेगा, उस एसिडिक सॉल्यूशन से अपना H+ आयन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि जो NH2 रहता है वो बेसिक ग्रुप रहेगा, तो एसिड से क्या है मतलब H+ एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अगर मान चलो एल्कली सॉल्यूशन है कोई, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसमें क्या होगा, अपना एसिडिक ग्रुप भी होता है COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, जो क्या होता है अपना एसिडिक होता है, तो एसिडिक ग्रुप क्या करेगा, अपना H+ डोनेट कर देता है, ठीक है, H+ आयन डोनेट करेगा एल्कली सॉल्यूशन को, ठीक है, तो डोनेट भी कर रहा है और NH2 ग्रुप का एक्सेप्ट कर रहा है H+ आयन। तो इसी नेचर को क्या बोलेंगे अपन, एम्फोलाइट्स, ठीक है, ये भी आगे समझ में। अब देखते हैं अपन आइसोइलेक्ट्रिक pH ऑफ प्रोटीन, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक pH ऑफ प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन एग्जिस्ट एंड ज्यूटर आयंस एट आइसोइलेक्ट्रिक pH। आइसोइलेक्ट्रिक pH पे क्या करते हैं, अपने जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फॉर्म कर लेते हैं ज्यूटर आयंस, ठीक है, मतलब कि NH2 होता है नॉर्मली, तो क्या बना लेगा, NH2 पॉजिटिव और COO-, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड ज्यूटर आयंस एट द आइसोइलेक्ट्रिक, ठीक है, pH। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स डू नॉट माइग्रेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। आइसोइलेक्ट्रिक pH पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे अपने जो अमीनो एसिड्स होते हैं या प्रोटीन मॉलिक्यूल वो मूव नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक साइड होता है कैथोड और एक साइड होता है एनोड, ठीक है। अगर मान चलो कोई सा मॉलिक्यूल आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो नेगेटिव की साइड जाएगा, ठीक है, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो किस साइड जाएगा, पॉजिटिव की साइड जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोइलेक्ट्रिक pH पे न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, ज्यूटर आयंस का फॉर्मेशन करके। अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डला भी है, तो उसका मूवमेंट शो आपको नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट वहाँ पे नहीं आने वाला उस मॉलिक्यूल के ऊपर। एट आइसोइलेक्ट्रिक pH पे क्या क्या अपने को देखने को मिलता है, जो सॉल्युबिलिटी रहती है, बफरिंग कैपेसिटी होती है, और जो विस्कोसिटी होती है वो मिनिमम हो जाती है, और जो प्रेसिपिटेबिलिटी होती है, जो प्रेसिपिटेट करने की कैपेबिलिटी होती है,
वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, और देखते हैं अपन प्रिसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन इन सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द चार्जेस एंड हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। मतलब जो प्रिसिपिटेशन होता है वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, और प्रोटीन मॉलिक्यूल में क्या हाइड्रेशन है, मतलब कि पानी मानी वगैरह उसमें लगाया कि नहीं लगा। ठीक है, दी फैक्टर्स विच न्यूट्रलाइज द चार्ज एंड रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन विल कॉज द प्रिसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब कि वो फैक्टर जो उस प्रोटीन में से चार्ज निकाल दें, ठीक, और उसके साथ जिसमें पानी लगा हुआ है हाइड्रेटेड है उसको निकाल दें, उन्हीं एजेंट्स को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रिसिपिटेटिंग एजेंट। ठीक है, तो ये फैक्टर कौन कौन से होते हैं एजेंट, एक होता है आइसो इलेक्ट्रिक पीएच जिस पर अपना प्रिसिपिटेट कर जाता है, ठीक है, हैवी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयंस, ठीक है, साल्टिंग आउट, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जिसमें आता है एल्कोहल, ठीक है, डिहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, ठीक है, और अब जो लास्ट अपन देखेंगे ना, लास्ट है अपना क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसके ऊपर मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाई जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दी है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो बता देता हूँ फिर भी, कन्फर्मेशन कैन अपसेट, ठीक है, कन्फर्मेशन कैन अपसेट एंड डिसऑर्गेनाइज, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ एनी पेप्टाइड लिंकेज ओनली बाय द रैप्चरिंग ऑफ आयनिंग बॉन्ड, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ स्टेबलाइज स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कन्फर्मेशन था वो तो आपका कन्फर्मेशन चेंज होगा ही, बट वहाँ पे डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो पेप्टाइड्स बॉन्ड हैं यार, ठीक है, उस प्रोटीन में वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूट रही हैं, वहाँ पे सिर्फ रप्चरिंग ऑफ क्या हो रहा है, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इन बॉन्ड की वजह से अपने स्ट्रक्चर क्या मिल रही थी, स्टेबिलिटी। अगर यही बॉन्ड नहीं रहेंगे तो स्टेबल नहीं रहेंगे, तो इस वजह से क्या हो गई कि वो स्ट्रक्चर क्या करेंगे, फाइनली ऐसे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इतना अपने को समझ आता है। तो यार यही था पूरा का पूरा अपनी प्रॉपर्टीज़, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, याद भी हो गई होंगी। इसके ऊपर यार सिंगल नोट आता है यार, यूनिवर्सिटी में 5 नंबर में आता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे 11 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, अच्छे से पढ़ लेना, और कोई भी यार अगर आपको डाउट वगैरह आता है ना, तो आप मेरे को पर्सनल DM करके बोल सकते हो, और जो मेरे नोट्स वगैरह वो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो यार। ठीक है, बढ़िया हार्ड वर्क करो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी बस जस्ट आने में ही है यार, 4-5 महीने की समथिंग आपको मतलब एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।